बुड्ढे कहाँ मर गए, तू यहाँ देख कैसा बखेड़ा खड़ा होगा। अरे कहाँ कोद बोदी हो अब? अरे आके तो देखिए बिचारी 26 जनवरी मर गई। ये कौन? ए यही तो 26 जनवरी। बुड्ढे है बुड्ढे खूसट सुनता काई को ना, तू कुछ कहेगी भी जब? मैं कह रही हूँ ये इतना जाड़ा काई को पड़ रहा, वो पे फ्रिज खुल्लो रहेगो यही मार पड़ रोई जाड़ा। बड़ा बदतमीज बुड्ढा, इसमें बोलने की तमीज ना है, मेरे लिए ही धरा तू बैगन सी शकल के। हाँ तू घनी मलूका ने, मेरे बारे में कुछ ना कहियो, कोसी में आमों के बाग है हमारे, तेरे जैसे रोज पानी डालन कुआवे बाग में। चुप धरी रहा। अच्छा मैं ये पूछ रही हूँ ये जाड़ा कब खत्म होगा? 26 जनवरी तक। है ये किसकी बहू है? अरे जब 26 जनवरी ना जाने के तू इस बुड्ढे के सामने कह दिया मैं 26 जनवरी ना जानू, तो ये कहेगा कि फुप्पो पे तो कुछ आता ही ना, इसके सामने झूठ बोल देती हूँ। जानू 26 जनवरी क्यों ना जानती मैं, वो तो मेरी अलीगढ़ वाली बुआ की ननद लगे। तो जब तक 26 जनवरी ना मनेगी जब तक तो जाड़ो पड़ेगा ही। अच्छा फिर इस 26 जनवरी को मनाएगा कौन? अरे यार सब मनावा, बोंदी खवावा, मोदी भाषण देवे जब मने। और ये मोदी कौन है? मोदी अभी ना जाने तू। इसके सामने बोल दूं मैं मोदी ना जानू, तो ये कहेगा कि फुप्पो को कुछ आता ही ना, तो थोड़ा सा झूठ बोल देती हूँ। मोदी है उसे तो मैं जानू, मेरी अलीगढ़ वाली खाला ना जो उसकी ननद का जेठ लगे वो है। हाँ अरे वो तो भतेरी बार मिला मुझे, मेरी शादी में भी ताया था, तुझे ना मिला? अरे मोदी से तो हमारी खास रिश्तेदारी है। लगा दिन तुक बड़ी पाती चट बुढ़िया। अच्छा ये बता अब के ना मना रहा कोई उस 26 जनवरी को? तू खुदा के वास्ते मेरे पिंड छोड़, धीरे धीरे पीछे लगी। बड़ा बेकार बुड्ढा तू, बड़ा जल्दी गरम हो जावे। तू चुप धरी रहा। पता ना दुनिया इस निगोड़ी 26 जनवरी को काई को ना मना रही, कैसा तो जाड़ा पड़ रहा, मुझसे तो इस जाड़े में कहीं आया जाया भी ना जावे। घर में पड़े पड़े मेरा तो कलेजा फड़के, कहाँ जाऊँ, किसकी चुगल करूँ, किससे बोलूँ, पेट में अफारा बन रहा मेरे तो। ये जाड़ा खत्म हो जाए तो फिर मैं किसी की चुगली करूं, और जाड़ा कब खत्म होगा जब 26 जनवरी मनेगी। एक काम करूं क्यों ना इस 26 जनवरी को मैं ही मना लूं ना। ला बुड्ढे 100 रुपये दे दे। कहा करेगी? तेरी सी शकल का बैंगन लाऊंगी, तुझे देने ना देने। बा मैंने तो इतना बुरोजन कहा करो जो मेरे हिस्से में तू आई। ले 100 रुपये ले और मेरे पिंडे छोड़। देखो तो सही इस बुड्ढे को, 100 रुपये के लिए कितनी बात बनावे, कोसी में आमों के बाग है हमारे, तेरे जैसे तो पानी दे कुआं में आमों के बाग में, बन रहा अमीर ज्यादा। हाँ पतो कैसे बाग है तेहारे? पता ना जाने तेरे बाप ने कौन सा लालच दिया मेरे बाप को जो तुझ जैसे कलवे को पसंद करगा। हाँ तू तो ऐसे ही राजकुमारी है। तो राजकुमारी क्या मायना रखे मेरे सामने, बन रहा मलूक। चुप्पो का मूड खराब कर दिया। कैसे बताऊं, एक तो आप इतना जाड़ा पड़ रहा है, अब इस निगोड़ी 26 जनवरी को भी मुझे ही मनाना पड़ेगा। एक काम करती हूँ जल्दी से 26 जनवरी मना लेती हूँ, फिर जाड़ा खत्म हो जाएगा, फिर जाया करूँगी चुगल करने। ये दुकानदार के चौदे इतनी बड़ी सीढ़ी लगा रखी है, बूढ़ी बड़ी पे चढ़ा भी ना जावे। बोंदी कैसे दे रहा? बोंदी दिए 300 रुपये किलो। ए कुछ शर्म रखो, इतनी महंगी कौन देवे, हमारी कोसी में चले जा, भतेरी मिले 50-50 रुपये किलो बोंदी कैसी ले ले। तो जा कोसी सुन लिया। अरे फुप्पा बोंदी देसी घी में बनावे हम। रहन दे बनाई बहुत तुमने देसी घी में बोंदी, मैं जानू ना हूँ कंजूस रहमत का लौंडा तू, तेरी तो बहु भगी कुरेसी को लड़के को लेके, थोड़ी मंदी लगा ले। 50 रुपये किलो वाली महंगी, अपर वे कई दिन पुरानी है, बासी है। उसी में से ले लेती हूँ, मुझे कौन सी खानी है, निगोड़ी 26 जनवरी को ही तो खिलानी है बोंदी, उसे क्या पता बोंदी ताजा या बासी है, खा लेगी। ला उसी में से दे दे। ठीक है तो दे रहा हूँ। ले फुप्पो ला दे 50 रुपया। ले काट ले अपने 50 रुपये, 50 वापिस दे दे, नूही जान रहा उधारी ले जा रही है फुप्पो, कोसी में आमों के बाग है हमारे, तेरे जैसे आमों के बाग में पानी दे कुआं में, बन रहा अमीर ज्यादा। ला 50 रुपये। पप्पो कहाँ लाई है? तुझे क्यों बता दूं मैं बोंदी लाई हूँ? तो नू बता दे के बोंदी कहाँ लाई है। अच्छा ये भी तुझे बता दूं मैं बोंदी 26 जनवरी को खवाने को लाई हूँ। है ये बुढ़िया पागल तो ना
है क्या सोच रहा खड़ा खड़ा? पप्पो तू जाने 26 जनवरी के बारे में? क्यों ना जानती, 26 जनवरी तो मेरी अलीगढ़ वाली खाला की दूर की रिश्तेदार है। तैने देखी है क्यों? देखी तो ना है, पर आज उसे बूंदी खवा के मनाऊंगी तो देख भी लूंगी। प्यारी फुप्पो, ए बूंदी तो खवा दे मोलू। चल हट, आया बड़ा फुप्पो वाला। मैं तो इसे बालक समझे करी, पर ये तो अपने बाप की तरह चुगलखोर है। उस दिन इसने ऐसी चुगल करी बुड्ढे से, मेरे घर में अब तक कलेश हो रहा। फुप्पो बूंदी तो मैं जरूर खाऊंगा, अब तो देख मेरे खेल कैसे खाऊं मैं बूंदी। बड़ी मुश्किल से घर पहुंची हूँ, एक काम करो यहाँ बैठ जाऊं। अब ये निगोड़ी 26 जनवरी मिल जाए तो उसे बूंदी खिला के मना लूं। हैं, ये कौन मुजस्सिमा है? अरे कौन है तू? मैं हूँ 26 जनवरी। 26 जनवरी? अरे बहन तू है 26 जनवरी? ए मैं तो तेरी 3 महीने से बाढ़ देख रही, तेरे चक्कर में इतनी सर्दी पड़ रही है, मुझे तो नहाए भी 3 महीना होगा। और तू नाराज चल रही है, किसी ने तुझे मनाया ना? आजा बहन तुझे मना दूं, जैसे जाड़ा खत्म हो जा, फुप्पो नहा लेगी, बदन में कलीले काट रहे हैं मुझे। आजा बैठ जा। बता बहन कैसे मनेगी तू? मैं तो बूंदी खाऊंगी। बूंदी खाएगी? मुझे मालूम था बहन तू बूंदी के चक्कर में ही रूसी पड़ी है, इसलिए तेरे लिए स्पेशल लाई चंदू हलवाई कैसे बूंदी का पेड़ा, तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी बहन, मान जाइयो। तू मान जाएगी तभी तो धूप निकलेगी। हाँ खिला तो सही, मानूंगी तो जब ही। है बड़ी ना दीदी, 26 जनवरी है, मुझसे कह देती बहन मैं खिला देती तुझे, मैं मना लेती। ए काई को रूसी पड़ी तू इतने दिन से, बताना इतना जाड़ा पड़ रहा है, भूतेरे बूढ़े तो तड़कती फड़कती ठंड में ही ऊपर को चले गए। मेरा नंबर ना आ जा, मुझे तो इसी बात का डर था, इसलिए मैं बूंदी ले आई तुझे, बहुत महंगी बूंदी है चंदू हलवाई की। भरगा पेट? भरगो बहन, अब मैं चलूं। ठीक है, मन तो गई है ना तू? मन की बिल्कुल। हैं? इसको क्या हो गया? 26 जनवरी? ओ बहन 26 जनवरी है, इसको क्या हो गया? हैं? इसकी तो ना बज भी ना चल रही, मर तो ना गई है कहीं? हैं? है तो मेरे सिर आ जागी। हैं? भूसी बूंदी से तो ना मर गई है ये तो बड़ा बुरा हुआ, 26 जनवरी मर गई। 26 जनवरी मर गई, हमें छोड़ गई, इतना जाड़ा पड़ रहा कैसे खत्म होगा, धूप ना निकलेगी। 26 जनवरी अब ये मर गई, अब क्या होगा बुड्ढे को बताओ। ओ बुड्ढा बुड्ढे कहाँ मर गया तू, यहाँ देख कैसा बखेड़ा खड़ा होगा। अरे कहाँ कोद बोदी हो अब? अरे आके तो देखिए बिचारी 26 जनवरी मर गई। ये कौन? यही तो 26 जनवरी, तूने इसे मार दिया, तेरा पेट कैसे ना भरे, मुझे खा के मानेगा किसी दिन। अरे मैंने कैसे मार दी हूँ, मैं तेरा जानू भी ना। हाँ बहुत बढ़िया, इतना ही सीधा तू जितना बन रहा, तेरे तो पाद में भी बल है। लेकर होगा बिचारी 25 जनवरी का। अरे चुप तो रे, मेरी सुसरी की पहले नू तो बताइयू मरी कैसे। अरे तूने ही तो मारा इसे। मैंने कैसे मारी है यू? 100 रुपए किसने दिए? मैंने। तो उन 100 रुपए की मैं लेकर आई बूंदी, और बूंदी जहरीली जहरीली बूंदी खा गई ये, और उनसे ये मर गई। तो मेरी सुसरी की नू बता, या मैं मेरी कहा गलती है? सारी गलती तेरी तो है ना, तू 100 रुपए देता ना मैं बूंदी लाती ना ये मरती। अरे मैंने ना मारी, तू मेरे बिना बात सिर पड़ रही है। अरे सिर पड़ रहे की क्या बात है, तू तो मुझे भी खा दागा किसी दिन, कितना जहरीला बुड्ढा तू। तू जुबान संभाल के बोल, नहीं सूर्य औंधा दूंगा तो एक जूती में तो है। बुड्ढे पुलिस आ गई, अब तुझे पकड़ के ले जाएगी, मैं तो हो गई तेरे चक्कर में। क्या चक्कर है? अरे बाबूजी इस हरामजादे बुड्ढे ने इस बिचारी को मार दिया। हो मर्डर रामवीर, इस कुत्ते को धारा 302 के तहत अंदर कर। जनाब मैं कातिल ना हूँ, ये झूठ बोल रही है। अरे हमको सब पता है, हर कातिल कत्ल करने के बाद यही कहता मैं कातिल नहीं हूँ, डाल इसको गड्डी में तू। जनाब ये तो झूठ बोल रही है।
ये ऐन वक्त पे पुलिस कहाँ से आ गई? वो तो अच्छा हुआ मैंने बुड्ढे का नाम ले दिया, वरना मुझे ले जाती पकड़ के। अरे रोन लग जाऊं। 25 जनवरी मर गई मेरी प्यारी 25 जनवरी। राजवीर मने लागे ये भी इन्वॉल्व से इस केस में। ए, ए, ना बाबूजी कैसी बात कर रहे तू, मेरी तो एक टांग से चला भी ना जाता, मुझसे मर्डर हो बे। जनाब लगता है हमें बेवकूफ बना रही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, हमारी शकल पे जा रही है, इसे भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये तो ईमानदार पुलिस वाले लगे ये ना मानने के, इससे पहले कि मुझे गिरफ्तार करें इन्हें भी बोंदी खिला देती हूँ। केस तो सुलझता रहेगा, तब तक तुम एक काम करो बोंदी खाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ, फिर तुम केस की तफ्तीश कर लेना। आय मेरी लाठी कहाँ रह गई? जी हाँ मैं हूँ खलनायक। होगा काम, ये बढ़िया हुआ। बुड्ढे ओ बुड्ढे आय ले बच जाओ तो पी लेना। बुड्ढे ताली मुझे दे दे, चल घूमने चल ले। मर जाओ तुम, हम तो चल रहे चल रहे चल बुड्ढे चल।